चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जंतर मंतर मैदान के अंदर, जंतर मंतर के चारों ओर पूरा का पूरा जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है वो बिल्कुल नीला हो गया है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के लिए देने का काम किया था, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार उस आरक्षण को भी खत्म करने पर खुली हुई है। हर जुर्म जाति के अवसर पर संघर्ष हमारा नारा होना चाहिए। साथियों, आज भीम आर्मी के प्रमुख आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जानलेवा हुए हमले के विरोध में आयोजित इस प्रोटेस्ट डे में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे बीच उपस्थित दिल्ली के पूर्व मंत्री जय भीम मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मंजूर अहमद साहब जी, साथ ही साथ मंत्र बैठे हुए विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव पदाधिकारी साथीगण, मन पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथियों, और आज यहाँ पर जंतर मंतर मैदान के अंदर जंतर मंतर के चारों ओर पूरा का पूरा जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है वो बिल्कुल नीला हो गया है। मैं कहना चाहता हूं आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार एक साजिश के तहत दलितों आदिवासियों पिछड़ों पर जानलेवा हमला कर रही है। यही नहीं, जहां एक ओर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के लिए देने का काम किया था, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार उस आरक्षण को भी खत्म करने पर खुली हुई है। आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है, ये दलितों आदिवासियों पिछड़ों की आवाज को दबाने का एक दुस्साहस किया गया है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भाजपा सरकार को कि आप गोली चलाकर लाठी डंडे चलाकर दलितों की जुबान पर ताला नहीं लगा सकते हो, आदिवासियों के हक पर डकैती नहीं डाल सकते हो, पिछड़ों के सम्मान को कुचल नहीं सकते हो। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जब इन पर जानलेवा हमला हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की थी। हमने भी काम किया है, ये राष्ट्रपति मुर्मू
बस पीछे एक साइड है। माननीय रामनाथ कोविंद जी उनको भी राजस्थान के पुष्कर मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हमारे दलित और आदिवासी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने में गर्व पर छूट करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं कह देना चाहता हूँ, जब किसी मच्छर को मरने का समय आता है उनको पंख लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पिताई का बता गया है। अरे भाई यार पीछे भी देख लो यार, तो थारे जागे पहले। अब तो आ जा, सत्तर दिन हो गए मणिपुर चल रहा है। उस साइड निकल रहा है। हाँ इस साइड जाओ। 7,000 लोग वहाँ के शरणार्थी शिविर में हैं, लाखों लोग घर बार छोड़ चुके हैं और कई हजार लोग मौत के घाट उतार दिए हैं। राज्यपाल ने सारी घटना की जानकारी केंद्र सरकार को कराई, लेकिन केंद्र सरकार में माननीय राष्ट्र मंडल के उस मणिपुर की घटना पर आग बंद किए हैं। क्योंकि जो काटे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनको उजाड़ा जा रहा है, जिनका हक छीना जा रहा है, वो सब आदिवासी हैं। कोई कुकी आदिवासी तो कोई वहां पर नागा आदिवासी है। 90% भाजपा सरकार डकैती डाल रही है। वहां 10% मात्र मैती समाज के हैं। जो 10% मैती समाज के हैं वो सभी समाज के हैं। और साथ ही साथ 90% खेती, 90% नौकरी, 90% रोजगार पर वो अपना अधिकार पहले से जमा के बैठे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार उनको आदिवासी समाज में शामिल कर पूर्व के आदिवासी कुकी और नागा के अब अधिकारों पर आरक्षण पर डकैती डालने का दुस्साहस कर रही है। और अभी जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं को नंगा करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके साथ घृणित व्यवहार किया गया, वो अपने आप में ना केवल दर्दनाक है बल्कि शर्मनाक है। उस घटना की मैं निंदा करता हूँ। और साथियों, घटना 4 मई की है, FIR 15 मई को लिखी जाती है, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को जानकारी कर मिलती है। जब वीडियो वायरल होता है मुख्यमंत्री कहता है, कितना शर्मसार बात तुम्हारा कहता है, ये तो एक वीडियो वायरल हुआ है। इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। और साथ ही साथ जिसको इस्तीफा देना चाहिए था वो बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपका हुआ है। और फिर राष्ट्र के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको सारी जानकारी होने के बाद 70 दिन से चल रहे लगातार नंगा नाच, महिलाओं के साथ दुराचार बलात्कार, आदिवासियों की हत्याएं, आदिवासियों के घर जलाए जाने की घटनाओं पर कभी भी गौर नहीं किया है। दुनिया के तमाम देशों में उनको घूमने का समय मिल जाता है, लेकिन पिछले 70 दिनों से जो मणिपुर चल रहा है उस मणिपुर में जाने के लिए राष्ट्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी को जाने का मौका नहीं मिलता है। इनके साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आज आपको सावधान रहना है और हर गुण जाति के अवसर पर संघर्ष हमारा नारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे सम्मान और सम्मान को ये सरकार नहीं बचा सकती। सरकार को हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने पर खुली है। यह सरकार हमारे अधिकारों पर डकैती करने के लिए खुली है, आरक्षण को खत्म करने के लिए खुली है, लोकतंत्र को कुचलने के लिए खुली है, संविधान को बदलने की खिलाफ में है और साथ ही साथ भारत को बेचने की तैयारी कर चुकी है। इसीलिए साथियों, आज यह प्रतीक स्वरूप जो आप चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हुए हमले की निंदा करने के लिए गूंगी बहरी अंधी और कुंभकर्णी नींद में सोती हुई भाजपा का सरकार का ध्यान खींचने के लिए आयोजन किया है, मैं यहाँ पर लाखों की तादाद में जुटे हुए नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात रखी आदरणीय जैन।